हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन किस तरीके से होता है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस से रिलेटेड चंद इंपॉर्टेंट बातें हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला आइए जानते हैं कि प्रेसिडेंट का ऑफिस है क्या, यह कितना इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, क्योंकि सिटीजन्स की लिस्ट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ही शुरू होती है। तो प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 52 टू 78 इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, यूनियन लेजिस्लेचर का भी वो हिस्सा है। हम फिर कभी इनके बारे में बात करेंगे। तो एज ऑफ नाउ द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो देखिए, इन्हें यूनियन एग्जीक्यूटिव में पार्ट किस लिए बनाया गया है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जितने भी डिसीजंस लेंगे वो सभी प्रेसिडेंट के नाम से ही एग्जीक्यूट किए जाएंगे। तो ही इज एक्चुअली इंटेग्रल पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो दिस इज द रीजन वाई प्रेसिडेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। द प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। दरअसल ही इज अ डीजी और हेड, डी फैक्टो हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, यानी कि नॉमिनल हेड है। ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एक्ट्स एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडैरिटी ऑफ द नेशन। तभी जो है इनका इलेक्शन जो है बहुत ही यूनिक तरीके से होता है। डायरेक्ट इलेक्शन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए नहीं होता, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, लेकिन इनडायरेक्टली भी ही इज एक्चुअली गेटिंग द पॉपुलर विल ऑफ द कंट्री। तो आइए जानते हैं कि दरअसल किस तरीके से वो इलेक्ट होते हैं, ताकि पूरे कंट्री का जो है वो सिंबल बन जाते हैं यूनिटी और इंटीग्रिटी का। हाउ इज ही इलेक्टेड, किस तरीके से भाई? द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल, जिस तरीके से हम जनरल इलेक्शंस में जाकर हमारे एमपीज को चुनते हैं और एमपीज इनडायरेक्टली जाकर प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं, इस तरीके से डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते। बट ही इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। एक इलेक्टोरल कॉलेज होती है जो इलेक्ट करती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो आइए जानते हैं कि उस इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स कौन है। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा में जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं, याद रखिएगा, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में जो है नॉमिनेटेड मेंबर्स को भी इजाजत दी जाती है, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस में नॉमिनेटेड मेंबर्स भाग नहीं ले सकते। तो राज्यसभा और लोकसभा के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, लेजिस्लेचर जितने भी है स्टेट में, यानी कि विधानसभा, विधान परिषद नहीं, स्टेट काउंसिल्स का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ विधानसभा यानी कि स्टेट असेंबली से जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स, यहां पर भी इलेक्टेड, नॉमिनेटेड नहीं। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी, यहां पर जो है लेजिस्लेचर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली और पुदुचेरी में, यहां पर भी इलेक्टेड मेंबर्स। नॉमिनेटेड मेंबर्स आर नॉट पार्ट ऑफ अबव इलेक्टोरल कॉलेज, कहीं पर भी हो, स्टेट लेजिस्लेचर में हो, पार्लियामेंट में हो, इलेक्टेड मेंबर्स जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा नहीं बन सकते जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करते हैं। यही एक रीजन है, क्योंकि इतना पॉपुलर सपोर्ट उन्हें मिल रहा है तो पूरे कंट्री का ही वो पॉपुलर सपोर्ट लेते हैं, यानी कि ही इज बीइंग इलेक्टेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल। तो इन रियल सेंस पीपल आर इलेक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनडायरेक्टली। The president election is held in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote and voting is done by secret ballot. देखिए, जिस तरीके से general elections में हम जाकर एक कैंडिडेट को अपना वोट देते हैं, कोई भी कैंडिडेट हो, बस हमारा एक वोट उस एक कैंडिडेट को होता है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से नहीं चलता। यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स हों, एक्स वाई जेड, इन सभी को जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अपने प्रेफरेंसेस देते हैं। मान लेते हैं कि एक्स को पहला प्रेफरेंस, वाई को दूसरा और जेड को तीसरा। तो इस तरीके से जितने भी मेंबर्स हैं स्टेट लेजिस्लेचर के हो, एमपीस हो, वो अपने प्रेफरेंसेस देते हैं कि वो किस कैंडिडेट को कौन सा प्रेफरेंस देना चाहते हैं, और सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस जिस कैंडिडेट को मिलता है He will be declared as elected. अगर किसी भी एक कैंडिडेट को सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रेफरेंसेस नहीं मिले हैं, तो देखेंगे कि इस फर्स्ट मिलने वाले प्रेफरेंसेस कैंडिडेट को सेकंड प्रेफरेंस कितने लोगों ने दिया है। तो इस तरीके से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, अनलेस एंड अंटिल उन्हें एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिल जाती, एक इंडिविजुअल को जो है चुना नहीं जाता। ये दरअसल इसलिए किया जाता है क्योंकि पूरे कंट्री में एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, हमें चाहिए कि हम एक नॉमिनल हेड को रखें। सरकारें जो है वो आएंगी जाएंगी, लेकिन ये पोजीशन जो है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनली पावरफुल है, क्योंकि ही रिप्रेजेंट्स इंडिया ऑन द इंटरनेशनल फोरम, ही इज एक्चुअली अ सिंबल ऑफ आर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। लेकिन एमएलएस और एमपीस के वोट्स जो है उनका वैल्यू अलग अलग होता है, आइए उसके बारे में जानते हैं। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए, तो आइए जानते हैं कि एमएलए के एक वोट का वैल्यू कितना होता है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, पूरे स्टेट का पॉपुलेशन कितना है। देखिए, यहाँ पर अनदर इंपॉर्टेंट डिटेलिंग ये कि स्टेट के पॉपुलेशन पर भी डिपेंड करता है कि एमएलए के वोट को कितना वैल्यू दिया जाएगा। जितना बड़ा स्टेट, जितना बड़ा पॉपुलेशन, उतना ही वैल्यू ज्यादा एमएलए के वोट का। टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जितना भी उस स्टेट का पॉपुलेशन है और जितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं उस असेंबली से, इनटू 1/1000 अगर आप करेंगे, जितना भी वैल्यू आएगा वो वैल्यू होगा एक एमएलए के वोट का फ्रॉम दैट स्टेट।
वैल्यू ऑफ एन एमपी, एमपी के वैल्यू का वोट जो है वो यूनिफॉर्म होता है। अभी जैसे कि हमने कहा कि मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश, वहां पर सीट्स भी ज्यादा है, पॉपुलेशन भी ज्यादा है, तो वहां के हर एक एमएलए का वोट ज्यादा होगा। और गोवा मानते हैं बहुत ही छोटा है, सीट्स भी वहां पर कम है, तो उनका वैल्यू बहुत ही छोटा होगा। लेकिन यहां पर एमपीस में ऐसा नहीं किया जा सकता, उन्हें यूनिफॉर्म दिया जा सकता है। किस तरीके से? टोटल वैल्यूज ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए ऑफ ऑल द स्टेट्स, यहां पर पूरे एमएलए के जितने भी स्टेट्स के वैल्यू आए हैं उन सभी को मिला दिया जाता है बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में जितने मेंबर्स हैं इकट्ठे, उन सभी को जो है मिला दिया जाता है, डिवाइड किया जा सकता है ताकि एक नंबर पर आया जाए। और इलेक्टोरल कोटा, जितना भी जीतने के लिए जो है कितना एक स्पेसिफिक पर्सन को कितना प्रेफरेंसेस आना चाहिए, कितने वोट्स मिलने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ वोट्स वैलिड वोट्स पोल्ड बाय 1+1=2+1, तो ये फॉर्मूला जो है यूज किया जाता है ताकि एक मेजोरिटी पर आया जाए, जाना जाए कि किस एक स्पेसिफिक आदमी को जो है सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं, और पॉपुलर विल जो है पीपल का, यानी कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का जिन्हें मिला गया है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, सेंट्रल के यानी कि लोकसभा और राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेचर्स के इलेक्शंस जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कंडक्ट करते हैं। और प्रेसिडेंट, चाहे वो प्रेसिडेंट का हो या फिर वाइस प्रेसिडेंट का हो, इट इज डन बाय अ सीक्रेट बैलेट। यहाँ पर पार्टी का विप जो है नहीं चलता, कैंडिडेट जिसे चाहे वो अपना प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो ये था हाउ अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।